हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो के लिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। तो दोस्तों, इससे पहले के 60 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखें। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरीधार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64। तीसरे चित्र में एक्स का मान होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 96। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65। मापतोल हेतु धुल्लीपाता चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजयपाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। कांचूला खड़क प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। सिमली पाल जीवमंडल निश्चय स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा KR नारायणन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1984 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुरियन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। चोपुला है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नृत्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 550वीं जयंती के रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, कथन सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष स्पष्ट है, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। और निष्कर्ष सेकंड है दोस्तों, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, बंदरपूंछ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी जिले में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 80 है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1952 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।